शादी और पार्टियों में थिरकते कदम बताते हैं कि भारत और डांस का जन्मों का नाता है। जब तक शादी, संगीत और त्योहार में तड़पता भड़कता डांस ना हो, तब तक कहां दिल को सुकून आता है। अब जब डांस इतना लोकप्रिय है तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश में डांसर की कहां कमी होने वाली है। बड़े पर्दे से लेकर डांस रियलिटी शो तक हमारे भारत में एक से बढ़कर एक डांसर है जो अपनी कला से लोगों का दिल जीतना चाहते हैं। ऐसे में चलिए आज हम आपको उन्हीं टॉप 10 डांसर से मिलाते हैं जो डांस की दुनिया के सुपर से भी ऊपर है। नंबर 10, शक्ति मोहन। डांस रियलिटी शो में मेंटर की कुर्सी पर बैठी खूबसूरत शक्ति मोहन को भारत की यंग और टैलेंटेड फीमेल डांसर कहना गलत नहीं होगा। शक्ति मोहन एक ट्रेंड कंटेम्पररी डांसर है जिन्होंने DID सीजन 2 से अपने करियर की शुरुआत की थी। बचपन से डांस का हुनर इनकी रगों में जरूर था, लेकिन इस शो पर आने से पहले वह IAS बनने की तैयारी कर रही थी। फिर जब इन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला तो ये पीछे नहीं रही और डांस को भी इन्होंने अपना ड्रीम बना लिया। शो के दौरान ही इनकी डांस परफॉर्मेंस का जादू लोगों पर ऐसा छाया कि उस सीजन की विनर बन गए। इतना बड़ा मुकाम पाने के बाद शक्ति ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आ रे प्रीतम प्यारे आइटम सॉन्ग पर डांस करने से लेकर पद्मावत के लिए नैनो वाले गाने को कोरियोग्राफ करने तक इनका सफर काफी सुनहरा रहा। आज ये डांस प्लस जैसे कई रियलिटी शो में मेंटर के तौर पर नई टैलेंट्स को गाइड करती नजर आती है। नंबर 9, राघव जुयाल। जब कभी स्लो मोशन डांस फॉर्म की बात होती है तो राघव जुयाल का नाम सबसे पहले लिया जाता है। भारत में एक नए डांस फॉर्म को इजाद करने वाले स्टार को लोग स्लो मोशन किंग के रूप में जानते हैं। देहरादून के रहने वाले राघव ने DID सीजन 3 से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा था और उसके बाद सक्सेस की राह में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज आप स्टार प्लस पर डांस शो के होस्ट के रूप में राघव को जानते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि एक शानदार डांसर होने के साथ साथ कोरियोग्राफर भी है। ABCD जैसी बड़ी फिल्मों में भी अपने डांसिंग टैलेंट का जलवा दिखा चुके हैं। इनकी खुद की डांस एकेडमी भी है जहां ये कई नई टैलेंट को डांस सिखाते हैं। नंबर 8, टेरेंस लुईस। जब फेमस इंडियन डांसर की बात हो रही हो तो कंटेम्पररी डांस फॉर्म के राजा टेरेंस लुईस को कोई कैसे भूल सकता है। लगान, जंकार, बिट्स और गोलियों की रासलीला, रामलीला जैसे फिल्मों में अपनी कोरियोग्राफी का जलवा दिखाने के साथ साथ इन्होंने कई म्यूजिक वीडियोस और नेशनल इंटरनेशनल डांस कंपटीशन में भी कोरियोग्राफी की है। उन्हें अपने वाइल्ड स्टाइल के लिए भी जाना जाता है। टेरेंस ने टीवी पर अपने सफर की शुरुआत DID शो से की थी जहां बतौर जज उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली। यही वजह है कि टेरेंस को डांस मास्टर के तौर पर आज भी बच्चा बच्चा जानता है। वैसे आज ये दुनिया भर में कई नई टैलेंट्स को कंटेम्पररी डांस वर्कशॉप देते हैं। नंबर 7, नोरा फतेही। फिल्मों में तड़केले भड़केले डांस का तड़का लगाना हो तो सबसे पहले नोरा फतेही को याद किया जाता है। एक नूरानी चेहरा, फ्लेक्सिबल बॉडी, परफेक्ट फिगर के साथ नोरा फतेही प्रो बैली डांसर है। आइटम सॉन्ग के लिए पहली पसंद नोरा फतेही को कास्ट किया जाता है। हाई गर्मी, साकी साकी और दिलबर दिलबर जैसे गानों में सिलजन और सेक्सी मुंह दिखाकर उन्होंने अपनी कला का लोहा मनवाया है। कनाडा से ताल्लुक रखने वाली सेलिब्रिटी ने वैसे तो बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत रॉर फिल्म से की थी, लेकिन इन्हें पॉपुलैरिटी तेलुगु फिल्म में किए गए एक आइटम नंबर से मिली। उसके बाद तो ये कई डांस रियलिटी शो में नजर आई जहां अपने डांसिंग स्किल से चलते ये लोगों की फेवरेट बन गए। आज बॉलीवुड में नोरा फतेही कोई छोटा नाम नहीं है बल्कि ब्रांड है। नंबर 6, रेमो डिसूजा। भारत में लॉकिंग पॉपिंग डांस को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाले आर्टिस्ट कोई और नहीं बल्कि रेमो डिसूजा है। आप लोग इन्हें डांस मास्टर रेमो डिसूजा के रूप में जरूर जानते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस मास्टर के पीछे एक नायाब कलाकार छिपा है जिसे अपने करियर की शुरुआत में काले रंग को लेकर डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा था। वह एक बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम करते थे, लेकिन अपनी मेहनत और कला के बल पर वह सफलता के मुकाम पर पहुंच गए। आज रेमो डिसूजा केवल भारत के शानदार डांसर ही नहीं है बल्कि टॉप क्लास कोरियोग्राफर और डायरेक्टर भी है। इन्होंने अपने प्रोफेशन करियर में कई हिट सॉन्ग्स को कोरियोग्राफ किया है। बदतमीज दिल, सुन साथिया, घर मोरे परदेसिया और बेजुबा जैसे कई गाने इस लिस्ट में शामिल है। नंबर 5, सरोज खान। डांस का जिक्र हो तो उस कलाकार का नाम कैसे पीछे रह सकता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी डांस को समर्पित कर दी।
सरोज खान डांसिंग इंडस्ट्री का वह सितारा है जिसके बलबूते पर श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित जैसे कई अदाकाराएं लोगों के बीच मशहूर हुई है। बचपन से ही डांस के हुनर के साथ पैदा होने वाली सरोज खान ने अपनी शुरुआती बैकग्राउंड डांसर के तौर पर जरूर की, लेकिन जल्द ही उन्हें कई बॉलीवुड गानों को कोरियोग्राफ करने का मौका भी मिला। अपनी डांसिंग स्टाइल और नजाकत भरी अदाओं से उन्होंने कई दिग्गज अभिनेत्रियों को भी डांस सिखाया। आज सरोज खान हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनका काम आज भी जिंदा है। इन्होंने अपनी जिंदगी में 3000 से भी ज्यादा गानों को कोरियोग्राफ किया था जो आज भी सदाबहार है। नंबर 4, पंडित बिरजू महाराज। कथक डांस फॉर्म में जब भी सर्वश्रेष्ठ कलाकार की बात होगी तो पहला नाम पंडित बिरजू महाराज का लिया जाएगा। कुछ लोग उन्हें कथक सम्राट के रूप में भी जानते हैं और कुछ इन्हें कथक का पर्यायवाची भी कहते हैं। पैदाइश एक नर्तक परिवार में जन्म लेने के नाते शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य से अपना नाता इन्होंने छोटी सी उम्र में जोड़ लिया था और पूरा जीवन इसी कला को समर्पित कर दिया। पंडित बिरजू महाराज ने डांसिंग करियर में एक से बढ़कर एक डांस परफॉर्मेंस को दर्शकों के सामने रखा और कई फिल्मी गानों को कोरियोग्राफ भी किया। विश्व रूपम, डेढ़ इश्किया, उमराव जान और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों में जिन डांस परफॉर्मेंस का लुप्त आप आज उठाते हैं वह भी इनकी कोरियोग्राफी की ही देन है। कथक नृत्य और इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म में एक शानदार योगदान के लिए इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, लता मंगेशकर पुरस्कार और द पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। भारतीय शास्त्र नृत्य की ये बड़ी हस्ती आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कला बरकरार है। नंबर 3, माधुरी दीक्षित। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जब भी एक शानदार डांसर और एक्ट्रेस का जिक्र आता है तो माधुरी दीक्षित का नाम सबसे पहले आता है। लाखों दिलों पर राज करने वाली माधुरी दीक्षित भले ही अब फिल्मों से दूर है, लेकिन एक स्पेशल से आज भी लोगों का दिल जीतना चाहती है। डोला रे डोला, चोली के पीछे क्या है, आजा नच ले, धक धक, एक दो तीन और मार डाला जैसे कई सुपरहिट गानों पर लाजवाब परफॉर्मेंस देकर माधुरी ने साबित किया है कि ये बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक डांसर है जो ट्रेडिशनल और कंटेम्पररी दोनों ही डांस फॉर्म्स में एक्सपर्ट है। आज ये 53 साल की है, लेकिन मेनस्ट्रीम की सभी अदाकारों से बेहतर और जमकर परफॉर्मेंस देना जानती है। इनके डांस का जादू कुछ ऐसा है कि किसी जमाने में फिल्में केवल इनकी डांस परफॉर्मेंस से ही कमाल की कमाई करती थी। यही वजह है कि आज भी कई डांस रियलिटी शो में ये बतौर जज नजर आती है। नंबर 2, प्रभुदेवा। साउथ से लेकर नॉर्थ तक अगर किसी डांसर ने अपनी नृत्य कला का लोहा बनवाया है तो वह केवल प्रभुदेवा है। कभी बैकग्राउंड डांसर की तरह अपने करियर की शुरुआत करने वाला ये लेजेंडरी डांसर आज पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर कभी आपने भी मुकाबला गाने पर प्रभुदेवा को कॉपी करने की कोशिश की है तो आप जानते होंगे कि यह कलाकार भारत का माइकल जैक्सन भी कहलाता है। इन्होंने बॉलीवुड से लेकर तेलुगु, मलयालम और तमिल की कई फिल्मों के लिए डांस कोरियोग्राफ किया है। काफी छोटी उम्र से ही प्रभुदेवा ने डांस सीखना शुरू कर दिया था। फिर अर्ली 90 में जब मुकाबला और उर्वशी जैसे गानों पर दर्शकों ने इन्हें डांस करते देखा तो ये भारत के नए डांसिंग स्टार की तरह उभर कर सामने आए। अपने लाजवाब डांसिंग स्टाइल और फ्लेक्सिबल बॉडी के चलते आज प्रभुदेवा को भारत के सबसे परफेक्ट डांसर के रूप में देखा जाता है। नंबर 1, ऋतिक रोशन। भारत के सबसे लोकप्रिय और बेहतरीन डांसर के लिस्ट में पहले नंबर पर ऋतिक रोशन बाजी मारते हैं। बैंग बैंग, धूम 2 और क्रिश जैसी हिट फिल्में देने वाले इस हैंडसम मैन को दुनिया ग्रीक गॉड के रूप में जरूर जानती है, लेकिन इनके डांसिंग टैलेंट के करोड़ों फैंस दीवाने हैं। अपनी पहली फिल्म कहो ना प्यार है इसे लेकर वार फिल्म तक इन्होंने कई गानों पर कदम रखा है और वह सुपर हिट हुए हैं। अगर आप इनके फैन हैं तो जानते होंगे कि ऋतिक के सभी गानों में कोई एक ऐसा हुक स्टेप जरूर रहता है जो लोगों के जहन में छप जाता है। जैसे कि इनकी पहली फिल्म के सॉन्ग एक पल का जीना का हुक स्टेप आज भी बॉलीवुड के आइकॉनिक डांस स्टेप में गिना जाता है। कुछ ऐसा ही कमाल हमें दिल ना दिया, मैं ऐसा क्यों हूँ और बैंग बैंग के गाने के साथ भी देखने को मिलता है। बॉलीवुड में इनकी टक्कर का डांसर और परफॉर्मर कोई नहीं है। तो ये थे भारत के कुछ ऐसे डांसिंग स्टार जिनके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इनकी कला को देखकर आप ये कह सकते हैं कि ये लोग इस स्टेज के लिए ही बने हैं। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा डांसर आपको ज्यादा पसंद आता है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को
और ऐसी ही और भी वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।